राम राम भाई लोगों, मैं उतार भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू पंडित। भाई लोगों, रणवीर अलाहाबादिया को जानते हो कि नहीं जानते? अरे भाई जानते हो नहीं जानते? जानते हैं भाई। हाँ तो भाई, रणवीर अलाहाबादिया जो है ना, अपने भारत में पॉडकास्ट के लिए बहुत मशहूर यूट्यूबर है। और आज मैं पॉडकास्ट से जुड़ी हुई एक चीज का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और वो है ये पॉडकास्ट माइक्रोफोन, ऑडियो एरे कंपनी का पॉडकास्ट माइक्रोफोन। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे भाई इसमें क्या क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले, अगर खुद का पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे कैमरा का सेटअप होता है, कैसे जो है माइक्रोफोन का सेटअप होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है। अगर पॉडकास्ट करना चाहते हो तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है भाई, ये है डायनेमिक माइक्रोफोन। कौन सी कंपनी का? ऑडियो एरे कंपनी का। 8,000 रुपए का माइक्रोफोन है ये। पॉडकास्ट के लिए और सिंगिंग के लिए, दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है। ये XLR प्लस USB माइक्रोफोन है। बहुत कम माइक्रोफोन होते हैं भाई 8,000 रुपए में जिनमें XLR का भी इनपुट आता है और USB का भी इनपुट आता है। यानी USB से सीधा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और उसके साथ में XLR से अपने ऑडियो इंटरफेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें क्या होती है नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम चालू अगर पॉडकास्ट करना चाहते हो तो मैं सब समझा दूंगा। जो नई अगली वीडियो बनाऊंगा पॉडकास्ट में एकदम डिटेल में, उसमें कमेंट करके बताना, चाहिए तो नहीं चाहिए तो भाई नहीं बनाएंगे, चाहिए तो बना देंगे। तो चलो इसका डब्बा खोलते हैं, देखते डब्बे के अंदर क्या क्या निकलता है। तो भाई लोगों, ये है अपने सामने डब्बा माइक्रोफोन का, और इसकी इधर से उधर से जो है अलग अलग चीजें हैं उनको उखाड़ देते हैं और उसके बाद दिखाता हूं मैं कि अंदर इसके अपने को क्या मिलेगा। तो भाई लोगों, डब्बे के अंदर कुछ इस प्रकार की विषय वस्तु जो है हमको मिलेगी। एक तो कागज पत्री मिलेगी, कोई नहीं पढ़ता, हैप्पी अनहैप्पी, ये जो है थैंक यू वाकी वाकी वाकी, ये है मेन चीज हमारी। कि ये देखो, इसके साथ में ये तो XLR की केबल है, वो भी मिलती है साथ में माइक्रोफोन के। उसके साथ में मिलती है USB की केबल, डायरेक्ट USB से लगाना चाहते हो, USB केबल मिलती है। और यहाँ पे देखो अडेप्टर भी मिलता है, अगर आपके टाइप सी मैकबुक काम ले रहे हो तो अडेप्टर भी कंपनी ने साथ में दिया, वो भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा भाई लोगों, ये जो है मेन चीज अपनी माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन है। और जो पॉडकास्ट में काम में लेते माइक्रोफोन, देखा होगा आपने, यूं लगा रहता है और इसमें बोलता है आदमी, तो वैसा कुछ है। तो चलो इसको मैं मेरी तरफ लेके आता हूं और तुमको दिखाता हूं। तो भाई लोगों, ये है माइक्रोफोन ऑडियो एरे का मेरे हाथ में। और देखो ये जो माइक्रोफोन है, ये भी डायनामिक माइक्रोफोन है। ये थोड़ा सस्ता माइक्रोफोन है, 1500 रुपए का आ जाता है। हालांकि ये सिल्वर कलर का था इसलिए मैंने टेप चिपकाया, इसको ब्लैक किया हुआ है क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है, लेकिन ये ऑलरेडी ब्लैक है। तो पॉडकास्ट में देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया के, एक जो आदमी रहता है उसके सामने यूं माइक्रोफोन लगा रहता है, दूसरे के सामने यूं लगा रहता है, दोनों बोलते रहते हैं। तो उस टाइप का ये माइक्रोफोन है। ऊपर ये जो है, ये आता है पॉप फिल्टर अंदर से, देखो ऐसा दिखता है माइक्रोफोन, और ये ऊपर पॉप फिल्टर लग जाएगा तो आकी जो बोलो फै बह हवा की आवाज़ नहीं आए, तो उसके लिए बढ़िया हो जाता काम। बाकी ये डायनामिक माइक्रोफोन है और इसको यहाँ पे लगा के अभी मैं तुमको इससे ऑडियो सुनाऊंगा, है ना। जो अभी ऑडियो आ रही है वो इससे आ रही है। अभी ये जो है XLR माइक्रोफोन है, ऑडियो इंटरफेस के थ्रू आ रहा है। मैं ये लगाऊंगा USB से और फिर इसकी ऑडियो सुनना कैसे आती है, और फिर XLR से भी लगा के सुनाऊंगा कि XLR में इसकी ऑडियो कैसे आती है। तो चलो माइक को करते हैं। तो प्यारे मित्रों दोस्तों, माइक हो चुका है स्विच और अब जो आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो ऑडियो एरे के माइक्रोफोन से। एडिटिंग जो है मैंने इसकी वॉल्यूम बढ़ाई है, बस थोड़ी सी वॉल्यूम जो है क्योंकि मैं कम रखता हूँ ताकि क्लिपिंग ना हो, और उसके अलावा मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। तो ये ऐसा साउंड कर रहा है। और भाई मेरा कमरा जो है ना पूरा पूरा खाली पड़ा है, तो गूंज रहा है कमरा, लेकिन गूंज में कितनी गूंज ये ले रहा है कितनी गूंज नहीं ले रहा है वो सुन लेना। और यही जो है सेटअप होता है टिपिकल पॉडकास्ट वाला। अगर यूं देखोगे आप तो पॉडकास्ट जब चलते हैं तो उसमें एक एक जो होता है गेस्ट, उसके आगे यूं माइक्रोफोन लगा रहता है और दूसरे गेस्ट के आगे माइक्रोफोन लगाता है, दोनों यूं बात करते रहते हैं। और इतनी दूरी पे माइक्रोफोन होता है, इतनी दूरी पे मैंने रखा हुआ है, और गेस्ट ऐसे बोलते रहते हैं और सामने से रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये वो सेम पॉडकास्ट का सेटअप है। और ऊपर ये पॉप फिल्टर मिलता है ताकि पैप है जो बोलो, हालांकि मुझे लगता नहीं है इतनी हवा रोक पाएगा, लेकिन हो सकता है रोक पाए। तुमको कैसा लग रहा है, साउंड अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? तो पॉडकास्ट सेटअप में ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो रणवीर अलाहाबादिया भाई लगा के रखता है भाई, वो बड़ा आदमी है, उसके बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत पैसा है उसके पास। तो उसका जो माइक्रोफोन है वो 50,000 रुपए का माइक्रोफोन आता है। वो आता है SM7B का जो माइक्रोफोन का मॉडल है उसका, वो उसका माइक्रोफोन है। लेकिन ये जो है माइक्रोफोन, ये 8,000 रुपए मिल जाता है, और उसमें जो है आप डायरेक्ट USB से भी लगा सकते हो और XLR से भी। अभी मैंने XLR से कनेक्ट किया हुआ है और अब मैं USB से कनेक्ट करके सुनाता हूँ कि डायरेक्ट USB में लगाओगे तो उसमें कैसा साउंड तुमको मिलेगा। तो चलो करते हैं USB से कनेक्ट, आ जाओ। तो भाई लोगों, अब ये माइक्रोफोन जो USB से कनेक्ट हो चुका है और तुम जो सुन रहे हो साउंड, वो आ रहा है USB के थ्रू। अब USB से जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ बटन माइक्रोफोन में दिए हुए हैं जो कि तुमको दिखाता हूँ मैं। इधर देखोगे तो यूं देखो, यूं ये घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। देखो इधर ये बटन जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बटन है ये USB से जब कनेक्ट करते हो तभी काम आता है, क्योंकि XLR से तो ऑडियो इंटरफेस के अंदर सारा कंट्रोल मिलता है। तो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले साउंड सुनाया था वो था इसके XLR इनपुट का, और ये है USB इनपुट का। तो तुम दोनों में अंतर समझ सकते हो। बाकी USB में फायदा रहता है कि अलग से एक मशीन और नहीं खरीदनी पड़ती, क्योंकि जो ऑडियो इंटरफेस खरीदोगे वो ऑडियो इंटरफेस भी महंगा पड़ता है। अगर ढंकी कंपनी का लोगे तो 15-16 हज़ार का मिलता है, लेकिन इस ऑडियो एरे का ही खुद का ऑडियो इंटरफेस भी आता है 5,000 रुपए का। बहुत सबसे सस्ता ऑडियो इंटरफेस मुझे वो लगा, मैंने वो भी ऑर्डर किया, उसको भी चेक करेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है। तो भाई देखो ये है साउंड, और इस तरीके से पॉडकास्ट करना चाहो तो 8,000 का एक माइक्रोफोन खुद के लिए,
आठ हजार का एक माइक्रोफोन दूसरे सामने वाले के लिए, और फिर पॉडकास्ट अपना कर सकते हो। और पॉडकास्ट में ऑडियो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है मेरे भाइयों, क्योंकि पॉडकास्ट जो होता है वो ओरिजिनली ऑडियो फॉर्मेट ही होता है। वीडियो का तो बना दिया गया है, यूट्यूब पे थोड़े व्यू और मिल जाए तो उसके लिए, तो बाकी देखो सारा जो डोल है इसका डील डोल है वो एकदम पॉडकास्ट वाले टिपिकल पॉडकास्ट माइक्रोफोन का। तो गेमिंग करते हो या फिर पॉडकास्ट करते हो, जो भी करते हो भाई तुम्हारी मर्जी की बात है, जो भी तुम्हें करना हो वो कर सकते हो इसके साथ में। 8000 रुपये का माइक्रोफोन है, अमेजोन का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना। इससे इस रेंज में इतने सिस्टम वाला माइक्रोफोन मुझे नहीं लगता दूसरा मिलेगा, जिसमें यूएसबी इनपुट भी है और एक्सएलआर इनपुट भी है, और जो एक टिपिकल पॉडकास्ट वाले माइक्रोफोन जैसा इसका सेटअप भी है, तो बहुत ही मुझे ठीक लगा। तुमको कैसा लगा भाई कमेंट करके अवश्य बताना मेरे को। और बाकी इसमें वॉल्यूम नॉब कहीं पे दी हुई नहीं है, देखो वॉल्यूम जो है ना यूएसबी में कम ज्यादा तुमको कंप्यूटर से करनी पड़ेगी, माइक्रोफोन से कर नहीं पाओगे। और बाकी एक्सएलआर और उसकी जो है ऑडियो में डिफरेंस करना है तो आगे पीछे करके सुन लेना। जब मैं पहले एक्सएलआर से कनेक्ट किया हुआ था यहाँ पिन लगी हुई थी, और उसके बाद में अभी यूएसबी वाली पिन लगी हुई है। तो भाई लोगों ये भी वीडियो आज की एकदम शॉर्टेस्ट, और इसका जब ऑडियो इंटरफेस आ जाएगा उसका भी मैं बताऊंगा। तो 5000 रुपये का ऑडियो इंटरफेस आएगा, और उसके साथ में जो माइक्रोफोन है 8000 रुपये का, तो 8×5 कितने हो गए 1000 रुपये के लगभग तुम्हारा पूरा सेटअप एक हो जाएगा। और जो ऑडियो इंटरफेस है उसमें दो माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो एक साथ, तो एक ऑडियो इंटरफेस दो माइक्रोफोन। और ऑडियो इंटरफेस क्यों लगाना चाहिए, यूएसबी से क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो इंटरफेस में थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आती है। तो जब सिंगिंग करो, अगर पॉडकास्ट के लिए ले रहे हो, तो फिर एक सिंगल सोलो पॉडकास्ट करना एक ही आदमी को करना है तब तो यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दो आदमियों को करना है एक साथ, तो फिर ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा, क्योंकि दो माइक्रोफोन कंप्यूटर में यूएसबी से एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए भाई तुमको ऑडियो इंटरफेस चाहिएगा। और ऑडियो इंटरफेस देखो मेरे पास यहाँ पे, ये रहा ऑडियो इंटरफेस मेरा, तुम्हारे को दिखाऊं, देखो ये रहा मेरा ऑडियो इंटरफेस, इस तरीके का आता है, इसके आगे लग जाता है माइक्रोफोन और फिर आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो दो एक साथ माइक्रोफोन लग जाएंगे, तो दो तुम्हारा एक गेस्ट आया हुआ है वो और तुम खुद दोनों आराम से पॉडकास्ट कर सकते हो। तो पॉडकास्ट की पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तुमको, कैसे कैसे सेटअप, क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे सेटअप होता है, और क्या क्या सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए, सबके लिए काम में ले सकते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं वो भी तुमको बता दूंगा। भाई लोगों लिंक दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन का जाके देखना चाहो वहाँ पर देख सकते हो। और बाकी मैंने ऑडियो टेस्ट तुमको सुनाई दिया। तो भाई लोगों आज के वीडियो में इतना ही, जैसा मैं कहता हूँ कि मजे करते रहो और वीडियो देखते रहो, टाइम पास करते रहो। और जैसे तुम टाइम खराब करते हो ना कई यूट्यूबर्स के लिए, अपना कीमती टाइम खराब करते हो, उससे यूट्यूबर पैसा कमाते हैं, तो अपना टाइम खराब करते रहो, बाकी लोगों की वीडियो भी देखते रहो और उनको पैसा कमवाते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय सियाराम।